लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत अच्छा लग रहा है ना भैया? हाँ भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। तुमने हमारे सारे सपने सच कर दिए हनुमान। हमने रामायण में तुम्हारे बारे में जितना जाना, तुम उससे कहीं अधिक महान हो हनुमान। ये सब तो प्रभु श्री राम की कृपा और माता सीता के आशीर्वाद से संभव हुआ है। मैं भी आज तुम दोनों के साथ गगन विहार करने में अत्यंत प्रसन्न हूँ। गगन में उड़ने की कला तुमने कहाँ से सीखी हनुमान? अपने पालक पिता पवन देव के आशीर्वाद से मैं जन्म लेते ही आकाश में उड़ने लगा था। एक बार तो मैं उड़ते उड़ते सूर्य लोक पहुँच गया था। हाँ, ये कथा तो हमने रामायण में पढ़ी है। क्यों भैया? हाँ, जब इंद्र ने तुम्हारे हनु पर वज्र प्रहार किया तब तुम हनुमान बने, है ना? और तब ब्रह्मा जी तथा सभी देवताओं ने तुम्हें अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान की। तुम महान हो हनुमान, तुम सचमुच महान हो। जय हनुमान। नहीं लवकुश, महान तो तुम लोग हो। महान है तुम्हें जन्म देने वाली माता सीता और महान है मेरे आराध्य प्रभु श्री राम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान। प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो हनुमान, हनुमान क्षमा के पात्र तुम नहीं, मैं हूं। मैंने जानबूझकर तुम्हें निराशा की स्थिति में ढकेला। मैं ये भली भांति जानता था कि स्वाभिमानी सीता बिना मेरे गए अयोध्या वापस नहीं लौटेंगी, परंतु ये सब जानते हुए भी मैंने तुम्हें रोका नहीं। नहीं प्रभु, इसमें आपका कोई दोष नहीं, दोष तो मेरा है। भावनाओं के प्रवाह में मैं ये भूल गया था कि कुछ मर्यादाएं ऐसी होती हैं जिन्हें जिन्हें तोड़ना संभव नहीं होता। मैंने असंभव को संभव करने का प्रयास किया प्रभु, मैंने असंभव को संभव करने का प्रयास किया। असंभव और असंभव की गुत्थी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया हनुमान, कोई नहीं। प्रभु, परंतु मेरा वहां जाना व्यर्थ नहीं क्या? मुझे माता सीता के दर्शन का लाभ तो मिला, साथ साथ आपके दोनों लल्लाओं लवकुश से भी भेंट हुई। हाँ प्रभु, मैंने उनके साथ गगन विहार भी किया। बहुत ही सुंदर, प्रतिभाशाली और तेजस्वी हैं अयोध्या के दोनों राजकुमार। मैं सत्य कह रहा हूं प्रभु, एक बार उन्हें देखने से तो मन भरता ही नहीं। हनुमान। हाँ प्रभु। इस समय मैं उन्हें तुम्हारी आंखों से देख रहा हूं। प्रभु, निकट भविष्य में आप उन्हें प्रत्यक्ष रूप में देख सकेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। हम वनवासी
सिया प्रवीणा गुरु आज्ञा से राम ने शिव का धनुष हाथ में लीना सहज भाव से पलक कथा बड़ी पुण्य कथा।
मेघनाग लक्ष्मण ने मारा, कुंभकरण हुआ राम को प्यारा, धाता सुत सैन्य गवाकर रण बीच दशानन आया, ब्रह्मा के वरदान पर प्रभु ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दंभी का दंभ चूर्ण विचूर्ण हो गया, रावण का वध कर रामावतार का हेतु पूर्ण हो गया। बड़ी पुण्य